आईपीएल 2019 मार्केटिंग से जुड़ा ऐसा वाक्या हुआ, कुणाल पांड्या ने दिल जीता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, मुंबई इंडियंस और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच मोहाली में हुए मैच के दौरान एक रोचक वाक्या हुआ। इस मैच में मार्केटिंग का एक मौका था, लेकिन मुंबई इंडियंस के स्पिनर कुणाल पांड्या ने खेल भावना दिखाते हुए क्रीज से बाहर निकल आए। मयंक अग्रवाल को चेतावनी देते हुए वापस क्रीज में बुलाया। शनिवार को हुए मुंबई और पंजाब के बीच कुणाल पांड्या की खेल भावना ने सभी का दिल जीत लिया। इस मैच के 10वें ओवर में जब कुणाल गेंदबाजी कर रहे थे, तब उनके पास मयंक अग्रवाल को मार्केटिंग से आउट करने का मौका था, लेकिन कुणाल पांड्या ने मयंक को आउट नहीं किया बल्कि उन्हें वापस क्रीज में बुलाया। कुणाल के गेंद फेंकने से पहले ही मयंक क्रीज से बाहर निकल गए थे, लेकिन कुणाल ने गेंद नहीं फेंकी। उनके पास मयंक को आउट करने का मौका था, लेकिन उन्होंने मयंक को वापस क्रीज में बुलाया। इस मैच में मुंबई को 8 विकेटों से करारी हार का सामना करना पड़ा। यदि इस दौरान मयंक आउट होते तो नतीजा कुछ और भी हो सकता था, क्योंकि मयंक ने 21 गेंदों में 43 रनों का योगदान दिया। उस समय मयंक 19 रन बनाकर खेल रहे थे। पंजाब के कप्तान अश्विन ने किया था मार्केटिंग आउट। बता दें कि किंग्स इलेवन पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के बीच हुआ मुकाबला किंग्स की जीत के लिए कम, लेकिन किंग्स के कप्तान अश्विन द्वारा राजस्थान के जॉस बटलर को मार्केटिंग कर आउट करने के लिए ज्यादा चर्चा में रहा। इसके बाद अश्विन को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। इस मैच में अश्विन ने बटलर को कोई चेतावनी नहीं दी और सीधे आउट कर दिया। हालांकि अश्विन ने नियम के तहत ही आउट किया, लेकिन उनके इस कदम की काफी आलोचना हुई थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।